मोटर मैकेनिक ने लगाया फंदा, कर्फ्यू के चलते दुकान बंद होने से था परेशान। हिमाचल के हमीरपुर जिले के उपमंडल नादौन की ग्वाल पत्थर पंचायत में 30 वर्षीय मोटर मैकेनिक ने फंदा लगाकर जान दे दी। बताया जा रहा है कोरोना कर्फ्यू के दौरान दुकान बंद होने से वो परेशान था। शुक्रवार को युवक ने घर के पास ही अमरूद के पेड़ से फंदा लगाकर जान दे दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर युवक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के पिता मदन लाल शर्मा ने बताया, आशु शर्मा कांगू में मोटर मैकेनिक की दुकान करता था। कोरोना कर्फ्यू के दौरान दुकान बंद होने से कामकाज ठप हो गया था, इस कारण वो परेशान था और आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। उन्होंने बताया कि शुक्रवार सुबह वो ड्यूटी के लिए चले गए। आशु की माता घास लाने के लिए गई थी। करीब 11 बजे उसकी पत्नी ने फोन पर सूचना दी कि आशु ने फंदा लगा लिया है। इसकी सूचना पुलिस चौकी धनेटा को दी गई। थाना प्रभारी नीरज राणा ने बताया कि पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस घटना की छानबीन की जा रही है। मृतक आशु शर्मा अपनी पीछे पत्नी और 2 वर्षीय बेटे को छोड़ गया है।